सो हाई स्टूडेंट्स, सो कल बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ था बिकॉज वी हैड इन टेक्निकल इशू विद द साउंड. सो आई विल बी डूइंग द सेम टॉपिक टुडे, स्टेटमेंट एग्जाम्पशन फॉर एस पी आई क्यू मेन्स 2018. ठीक है. सो आई होप आपको जो भी डिफ़िकल्टीज हुआ है, जैसे आप लोगों ने, बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि हाँ देर इज़ वेर नो साउंड, सो वी आर वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट. So there is a technical issue. Aaj we have sorted it out and we'll be continuing with statement and assumption. Okay. So verbal reasoning wale topic se hi start karte hain. We would be doing, jaise maine kal aapko bataya, but yeah, definitely the video had no sound, so I'll be doing the same thing over and over again. Okay. तो स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पशन फॉर एस बी आई पी ओ मेन्स, ये जो वर्बल रीजनिंग वाला सेक्शन है वो आपके एक्सक्लूसिवली मेन्स के लिए है एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेन्स बिकॉज यू वुड बी गेटिंग अराउंड 9 to 10 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन एंड इट माइट बी सम क्वेश्चन. सो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं दो जिसमें आपके 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन हो. ठीक है. Very important, it tests your critical reasoning power. आप कितना critically आप think कर सकते हो. It tests your power to be an officer. It tests your ability to be an officer. आप officer होने के लिए कितने लायक हो. That will be tested in your verbal reasoning. तो ये आपके mains के लिए important तो है ही, साथ ही साथ इसके based आपके questions कुछ ना कुछ आपके interview में भी आ सकते हैं. So we'll be starting with the verbal reasoning. हर एक topics क्या क्या topics है. This is a कंप्लीट, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स इसमें आते हैं. तो लेट अस फर्स्ट सी कि टॉपिक क्या है. ओके. सो इफ़ यू सी विद द टॉपिक्स, जो टॉपिक्स ये है वर्बल रीजनिंग के, स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पशन, स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, कॉज एंड इफेक्ट एंड क्रिटिकल रीजनिंग. ठीक है. तो आज बेसिकली हम स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पशन ही करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं ये है क्या. ठीक है. व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ दैट एंड एक दूसरे के अलग कैसे हैं. ठीक है. तो लेट अस सी कि एक दूसरे से अलग कैसे हैं. ठीक है. तो स्टेटमेंट गाइस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट जो भी हम बोलते हैं दैट इज अ स्टेटमेंट. कोई भी बात आप बोलते हो दैट वुड बी ए स्टेटमेंट, राइट. अब एग्जाम्पशन क्या होता है. अब कुछ वर्ड्स होते हैं या फिर कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो हम स्टेटमेंट को जब देते हैं कुछ ना कुछ एज्यूम करते हैं, राइट. लेकिन हम वो सेंटेंस में नहीं बोलते, वो स्टेटमेंट में नहीं बोलते, लेकिन कुछ एग्जाम्पशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है. तो यही होता है आपके एग्जाम्पशन, जो आप स्टेटमेंट में बोलते समय एज्यूम करते हो, दैट इज योर एग्जाम्पशन. इज इट क्लियर. नेक्स्ट है आपके स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट. स्टेटमेंट तो वही होता है कि आप कुछ भी बोल दो, दैट वुड बी ए स्टेटमेंट. ठीक है. अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जैसे डिबेट. डिबेट में क्या होता है, आर्ग्यूमेंट आपके आर्ग्यूमेंट फॉर में भी हो सकता है, अगेंस्ट में भी हो सकता है. ठीक है. यहाँ भी सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं वो है कि आप लोग आपका ओपिनियन दे देते हो कि हाँ मुझे लगता है कि फॉर में हो जाना चाहिए, नहीं मुझे लगता है अगेंस्ट में होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे कोई भी आपको ओपिनियन नहीं पूछते हैं. आपका ओपिनियन क्या है, दैट डजंट मैटर टू अस. व्हाट मैटर्स इज कि जो फॉर के अगेंस्ट जो रीज़न दिया गया है या फिर जो अगेंस्ट के अगेंस्ट रीज़न दिया गया है, बेसिकली फॉर का जो रीज़न है या फिर अगेंस्ट का जो रीज़न है, क्या वो स्ट्रॉन्ग रीजन्स है, क्या वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स है, क्या नहीं है. इज इट क्लियर. नेक्स्ट है आपके स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन. ठीक है. अब देखो बहुत लोगों को स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है. ठीक है. अब पहले इसलिए आपको समझना है व्हाट इज स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन. अब स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पशन, जैसे मैंने बताया कि स्टेटमेंट को बताते समय स्पीकर ने क्या एज्यूम किया था वो आपको बताना है. ठीक है. दैट इज योर स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पशन. नाउ व्हाट इज स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन. स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वो होता है कि स्टेटमेंट से, उस स्टेटमेंट से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो. ठीक है. उस स्टेटमेंट से आपका कंक्लूजन क्या है. लेकिन जो स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पशन होता है वो क्या होता है कि आप जो स्टेटमेंट दिया गया था उसमें एज्यूम क्या क्या गया था. ठीक है. फिर उसके बाद है कोर्स ऑफ एक्शन. नाउ कोर्स ऑफ एक्शन इज वर्ड से बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम एंड कोर्स ऑफ एक्शन भी बोला जाता है या फिर सिंपली कोर्स ऑफ एक्शन. अब कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं. दैट इज ओनली कोर्स ऑफ एक्शन. कोई भी प्रॉब्लम का एक्शन क्या होगा. ठीक है.
डिसीजन मेकिंग इज समथिंग दैट टेस्ट योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एज एन ऑफिसर. ओके, बिकॉज यू गाइस आर गोइंग टू बी एन बैंक ऑफिशियल, राइट, एंड इसके लिए आपको क्रिटिकल डिसीजंस लेने पड़ेंगे. सो दिस टेस्ट योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी. तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इज नथिंग बट द कोर्स ऑफ एक्शन. सो वट विल बी द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन दैट यू आर सपोज टू टेक. ठीक है, डिसीजन मेकिंग इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम कोर्स ऑफ एक्शन. इनके क्वेश्चन थोड़े बहुत डिफरेंट है, उसको भी हम स्टडी करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट. नाउ से बेसिकली कॉज क्या होता है, कॉज मतलब क्यों हुआ है, राइट, ये स्टेटमेंट क्यों हुआ है. इफेक्ट का मतलब है क्या हुआ है उसके बाद. ठीक है, तो कॉज एक्सप्लेन्स व्हाई इट हैज हैपेंड एंड इफेक्ट एक्सप्लेन्स व्हाट विल हैपन आफ्टर. तो कॉज व्हाई को आंसर करते हैं, इफेक्ट आंसर करते हैं व्हाट. ठीक है, नेक्स्ट है आपकी क्रिटिकल रीजनिंग. अब क्रिटिकल रीजनिंग इससे थोड़ा बहुत अलग है, इन्हीं के आसपास है, इन्हीं के सिमिलर क्वेश्चंस है, लेकिन थोड़ा इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जब आप क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस करने जाओगे तो वहाँ पे जो आपके क्रिटिकल रीजनिंग पावर है वो ज़्यादा आपका टेस्ट होता है, वो आपको ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसी के बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं विथ स्टेटमेंट एंड अजम्पशन. स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से स्टार्ट करेंगे, बाकी चैप्टर्स हम ईच एंड एवरी वन को अलग अलग से पढ़ेंगे. सो डू नॉट वरी गाइस, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन. ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट इज स्टेटमेंट एंड व्हाट इज अजम्पशन. सो देखो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हम सोचते हैं, व्हाट इज बीइंग थॉट, जो हम सोचते हैं वो हो जाता है आपके, दैट इज योर अजम्पशन. ठीक है, दिस इज योर अजम्पशन, जो आप एज्यूम करते हो. ठीक है, वो होता है अजम्पशन. व्हाट इज बीइंग सेड, जो भी आप बोलते हो दैट इज नोन एज स्टेटमेंट. ठीक है, तो आप स्टेटमेंट देते समय जो एज्यूम करते हैं वो होता है आपके अजम्पशन. एंड देखो, यूज ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आपको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेना चाहिए. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद कीवर्ड्स. कीवर्ड्स देखना है वर्बल रीजनिंग में, पूरे वर्बल रीजनिंग में, ना कि आपके स्टेटमेंट एंड अजम्पशन में. सारे चैप्टर्स में आपको ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेना चाहिए, एंड साथ ही साथ जो आपके मतलब कीवर्ड्स है उसको पकड़ना बहुत ही मैंडेटरी है. ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक इमेज बना था सबसे पहले स्लाइड में, उसमें था इन ईच क्वेश्चन बिलो स्टेटमेंट इज गिवन बाय टू अजम्पशन नंबर वन. तो नॉर्मल जो फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है वो कुछ लगेगा आपको ऐसे. मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट क्वेश्चन क्या है. तो देखो, ये है आपके फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन. इसमें लिखा होगा इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे. ये आपके ऑप्शंस है 1, 2, 5, एंड फिर उसके बाद है आपके एक स्टेटमेंट जिसके साथ दो अजम्पशन होगा और आपको बताना है कि कौन सा अजम्पशन सही है. ठीक है, सो नेक्स्ट हम जाते हैं डिटेल में, थोड़ा बहुत जानते हैं कि व्हाट इज स्टेटमेंट, व्हाट इज अजम्पशन, की पॉइंट्स आपको क्या देखना चाहिए स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के क्वेश्चंस को करने के समय. तो लेट अस सी. तो यहाँ लिखा है अजम्पशन इज समथिंग सपोज्ड और taken for granted. तो assumption क्या होता है, assumption is anything that is we suppose or we take for granted. ठीक है, next you have to consider the statement and the following assumption and decide which of the assumption is implicit. कौन सा implicit है ये आपको decide करना है. जैसे मैंने अभी बताया आपको कि दो एक statement आपको मिलेगी एंड साथ ही साथ दो assumption मिलते हैं और आपको decide करना है दोनों वो statement and assumptions को देखते हुए कि कौन सा assumption मेरा implicit है. ना यहाँ पे आपको ये options करने के लिए आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि implicit का मतलब क्या है. ना implicit का मतलब होता है कि वहाँ पे डायरेक्टली इम्प्लाइड नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली वही बताना चाहते हैं. ठीक है, तो इम्प्लिसिट मीन्स सजेस्टेड डो नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस. इज इट क्लियर. नेक्स्ट की पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है जब हम क्वेश्चंस को करेंगे, तो जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ स्पीच ऑफ विच मोस्ट ऑफ द आइडियाज रिमेन अनएक्सप्रेस्ड. तो कुछ आइडियाज होते हैं जो हम नहीं बताते हैं लेकिन हम उसको एज्यूम करते हैं, राइट. हम उसको जब स्टेटमेंट बताते हैं तो हम एजम्पशन लेते हैं, तो दैट इज ओनली सम आइडियाज दैट विल रिमेन अनएक्सप्रेस्ड. ठीक है,
फिर उसके बाद है assumption is something in which the reader assumes something on the basis of the given statement. रीडर को एज्यूम करना होगा कि स्पीकर ने क्या एज्यूम करके स्टेटमेंट को दिया है. ठीक है, इज इट क्लियर? रीडर को एज्यूम करना होगा. इज इट क्लियर? रीडर को एज्यूम करना है कि स्पीकर ने क्या एज्यूम किया था. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इफ स्टेटमेंट एंड एजम्पशन आर नॉट कोरिलेटेड देन इट इज नॉट इम्प्लिसिट. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन अ वर्बल रीजनिंग. नॉट ओनली इन स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, लेकिन सारे ही केसेस में आपको ये चीज़ पता करना बहुत ज़रूरी है कि स्टेटमेंट एंड एजम्पशन या फिर स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट या फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कुछ भी हो, उसमें आपके जो स्टेटमेंट्स है एंड एजम्पशन है वो कोरिलेशन उनके बीच में होना चाहिए. ऐसा नहीं कि वो लोग रिलेटेड ही ना हो. ठीक है, कोरिलेशन होना चाहिए. दिस इज द मोस्ट मैंडेटरी पार्ट कि कोरिलेशन होना चाहिए, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे. ठीक है, तो जैसे यहाँ बोला गया कि स्टेटमेंट एंड एजम्पशन अगर कोरिलेटेड नहीं है देन वो इम्प्लिसिट नहीं माना जाएगा. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज एजम्पशन इज ऑलवेज पॉजिटिव रिगार्डिंग द कंप्लीशन ऑफ द वर्क फेवरिंग द एग्जीक्यूटर. तो एजम्पशन जो है उसको हम हमेशा पॉजिटिव मानेंगे जो आपके एग्जीक्यूटर है उसके कंप्लीशन के फेवर में. ठीक है, नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट एडवाइस ऑर्डर इज कंसीडर्ड वैलिड इन द केस ऑफ एजम्पशन. जो रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, ऑर्डर है, उसको हम वैलिड मानेंगे इन केस ऑफ एजम्पशन. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में आपके सबसे पहला टाइप है एडवर्टाइजमेंट बेस्ड. जैसे आपने कभी देखा होगा कि कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है आपके न्यूज़पेपर में, आपके टीवी में, राइट? तो वो जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट को देते समय एडवर्टाइजर ने क्या अज्यूम्शन किया था. इज इट क्लियर? तो ये होगा आपके एडवर्टाइजमेंट बेस. फिर आते हैं आपके वार्निंग बेस. अब वार्निंग बेस में क्या होता है कि वार्निंग, कोई भी वार्निंग साइन जो होता है, डू नॉट क्रॉस द लाइन. ठीक है, तो ये वार्निंग देते समय जिसने ये वार्निंग दिया था उन लोगों ने क्या सोच के वार्निंग को दिया था. इज इट क्लियर? नेक्स्ट होता है इंफॉर्मेशन बेस्ड. इंफॉर्मेशन बेस्ड क्या होता है कि कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, उस स्टेटमेंट्स को देते समय जो जिन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है उन्होंने क्या एज्यूम्शन किया था. इज इट क्लियर? तो एज्यूम क्या किया था वो आपको बताना है. नेक्स्ट इज पैसिव बेस्ड. जो आपके क्वेश्चंस में ज़्यादातर मैक्सिमम अभी के अगर आप क्वेश्चंस देख लो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में पैसिव बेस्ड क्वेश्चंस आता है आपके वर्बल रीजनिंग में. वो एक पैसिव फॉर्म में होगा, एक छोटा सा पैराग्राफ होगा, या फिर कभी कभी दो तीन पैराग्राफ्स भी हो सकता है, लेकिन दो तीन पैराग्राफ्स होने का पॉसिबिलिटी कम है. मोस्ट ऑफ द केसेस में एक ही पैराग्राफ होगा और उससे आपको एजम्पशन करना है. इज इट क्लियर? सो अभी जाते हैं क्वेश्चंस पे. तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका ज़्यादा क्लियर होगा. तो सी द फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे लिखा है, पहले तो इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से समझना है आपको, फिर बाद में हम क्वेश्चंस को करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है उसमें लिखा है, ईच ऑफ दिस क्वेश्चन गिवन स्टेटमेंट इज फॉलोड बाई टू एजम्पशन नंबर 1 and 2. एंड एजम्पशन इज समथिंग सपोज और टेकन फॉर ग्रांटेड. यू हैव टू कंसीडर द स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग एजम्पशन एंड डिसाइड व्हिच ऑफ दिस इज और आर इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट. गिव आंसर 1 इफ ओनली 1 इज इम्प्लिसिट. Give answer 2 if either 1 or 2 is implicit, and 3 if only 2 is implicit, 4 if both 1 and 2 are implicit, and 5 if neither 1 nor 2 are implicit. Clear? तो बेसिकली अगर ओनली वन ही इम्प्लाइड है, इम्प्लिसिट है, देन उसके बाद उसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. अगर 1 and 2 में से एक ही इम्प्लिसिट है तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2. अगर ओनली 2 इम्प्लिसिट है तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3. फिर अगर 4 में है कि दोनों ही इम्प्लिसिट है तो दोनों ही करेक्ट आंसर होगा, फिर होगा ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट वुड बी नाइदर 1, कोई भी इम्प्लिसिट नहीं है, ना 1 इम्प्लिसिट है ना 2 इम्प्लिसिट है, तो उस केस में आपका ऑप्शन नंबर 5 वुड बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, ओके. ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 देखो. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है,
an advertisement in the newspaper, learn a foreign language course to get a high paying job. तो एक advertisement दिया है एक newspaper में, उसमें लिखा है कि learn a foreign language course. आपको एक foreign language course learn करनी चाहिए ताकि आपको high paying job मिले. ठीक है, तो assumption one में लिखा है all those who learn foreign language get highly paid job. देखो आपको एडवर्टाइज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है. तो देखो अगर एडवर्टाइज़र ने ऐसे बोला है कि आपको एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना चाहिए ताकि आपको हाई पेइंग जॉब मिलता है, तो उनका एजम्पशन तो वही होगा ना कि जो फॉरेन लैंग्वेज पढ़ते हैं उनको एक हाईली पेड जॉब मिलेगा. तो ये एजम्पशन तो बिल्कुल इम्प्लिसिट है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पशन पे जाओगे तो ओनली ए फॉरेन लैंग्वेज कैन गेट समवन ए हाई पेइंग जॉब. देखो कभी यहाँ पे नहीं बोला गया है कि खाली फॉरेन लैंग्वेज से ही आपको हाई पेइंग जॉब मिल सकता है, तो ये उनके एग्जाम्पशन नहीं हो सकता. तो यहाँ पे देखो एंड ये जो वर्ड होते हैं ओनली, ऑल, ठीक है, एवरी, ये सब होते हैं वर्ड्स ऑफ परफेक्शन. एंड ये मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% केसेस में आपके जो वर्बल रीजनिंग के जो स्टेटमेंट है उसको एम्बिगुअस बनाता है. तो ये आपके मोस्ट ऑफ द केसेस में गलत ही हो जाएंगे. तो ये जो एजम्पशन है वो बिल्कुल ही इम्प्लिसिट नहीं है. ठीक है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ओनली वन इज इम्प्लिसिट, दैट वुड बी ऑप्शन नंबर वन. इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं. सो इंस्ट्रक्शन सेम है, बस क्वेश्चन अलग है. क्वेश्चन में लिखा है स्टेटमेंट डू नॉट लीन आउट ऑफ द डोर ऑफ द बस, ए वार्निंग इन ए स्कूल बस. तो एक स्कूल बस में एक वार्निंग दिया गया है, डू नॉट लीन आउट ऑफ द डोर ऑफ द बस. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पशन जो है उसमें लिखा है लीनिंग आउट ऑफ रनिंग बस इज डेंजरस. जो लीनिंग आउट मतलब पहले आपको बोला गया है कि आप डोर ऑफ द बस से लीन नहीं करोगे. ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया है लीनिंग आउट ऑफ देन रनिंग बस इज डेंजरस, राइट. तो डेफिनेटली जिसने ये वार्निंग दिया है कि आप लीन नहीं करोगे बस से, तो उन्होंने वही एज्यूम किया है ना कि बाहर अगर आप लीन करोगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है. तो इसी को सोच के उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है. तो ये एजम्पशन तो बिल्कुल इम्प्लिसिट है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पशन पे अगर आप जाओगे तो उसमें लिखा है चिल्ड्रन डू नॉट पे अटेंशन टू सच वार्निंग्स. तो अगर देखो गाइज, अगर हम ऐसे सोचते कि चिल्ड्रन तो अटेंशन एनीवेज नहीं देंगे, तो क्या हम इस एग्जाम्पशन को स्टेटमेंट को देते? डेफिनेटली नहीं देते. आपको उनके तरफ से जो स्पीकर है उनकी तरफ से देना है. ठीक है, तो या डेफिनेटली वो तो नहीं देते ना वैसे, तो वो ऐसे एग्जाम्पशन ले ही नहीं सकते कि चिल्ड्रन विल नॉट पे अटेंशन टू सच वार्निंग. ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका करेक्ट आंसर होगा ओनली एग्जाम्पशन वन इज इम्प्लिसिट. इज इट क्लियर? थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं. यहाँ लिखा है स्टेटमेंट डू नॉट एंटर, अवॉइड द रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड विद द एबीसी डिजीज. फिर उसमें लिखा है रिटन आउटसाइड द क्वारंटाइन वार्ड नंबर टू मेंट ओनली फॉर एबीसी डिजीज ऑफ ए हॉस्पिटल. ठीक है, तो एग्जाम्पशन वन में लिखा है दिस इज एबीसी इज कंटेजियस. फिर उसके बाद एग्जाम्पशन टू में लिखा है ऑल द पेशेंट्स इन वार्ड नंबर टू सफर फ्रॉम डिजीज एबीसी. ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये लिखा है, तो देखो डू नॉट एंटर, आपको एंटर नहीं करना चाहिए. आप अवॉइड करो द रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड विद एबीसी डिजीज, मतलब आप एंटर करोगे तो आपको एबीसी डिजीज हो जाएंगे. तो वो कहाँ लिखा है? किसी वार्ड नंबर में लिखा है टू में, जो ओनली एबीसी डिजीज ऑफ द हॉस्पिटल में के लिए है, राइट. तो इसमें लिखा है डिजीज एबीसी इज कंटीजियस. तो ये एजम्पशन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने इसी के कारण तो बोला होगा ना कि आप एंटर मत करो, अगर आप एंटर करोगे तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा. तो इसका मतलब डिजीज एबीसी कंटीजियस है, यही उनके एजम्पशन था. तो ये एजम्पशन बिल्कुल सही है, ये एजम्पशन बिल्कुल इम्प्लिसिट है. ठीक है,
नेक्स्ट देखो, ऑल द पेशेंट्स इन वार्ड नंबर 2 सफर फ्रॉम द डिजीज ईबीसी. अब ऑल जो है वो है तो वर्ड ऑफ परफेक्शन, लेकिन यहाँ पे इट्स क्लियरली रिटन कि वर्ड नंबर 2 में क्या है, इट इज ओनली मैंट फॉर एबीसी डिजीज ऑफ ए हॉस्पिटल. मतलब वर्ड नंबर 2 में जो भी पेशेंट्स है सारे के सारे एबीसी डिजीज से सफर करते हैं. तो यही तो बिल्कुल सही सही आपके एग्जाम्पशन होगा, राइट? तो दोनों एग्जाम्पशन इम्प्लीसिड है. सो योर करेक्ट आंसर वुड बी बोथ 1 and 2 आर इम्प्लीसिड. सो योर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बोथ 1 and 2 आर इम्प्लीसिड. आई होप ये क्लियर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा बहुत रीजनिंग आपको लगाना पड़ता है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. वी हैव India's contribution statement में लिखा है, India's contribution to the growing global market of management consultancy may touch $5 billion by 2030, which is 10% of the current export size. तो first assumption में क्या है, assumption में लिखा है the current export size is $50 billion. ठीक है, तो अगर मैंने बताया ऐसे कि इंडिया के जो कंट्रीब्यूशन है ग्रोइंग ग्लोबल मार्केट ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में टच $5 billion, $5 billion टच करेंगे बाय 2030, विच इज 10% ऑफ द करेंट एक्सपोर्ट साइज. तो उन्होंने करेंट एक्सपोर्ट साइज एज्यूम किया होगा ना, उन्होंने एजम्पशन लिया होगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो $5 billion है वो 10% ऑफ करेंट एक्सपोर्ट साइज है. तो उनको पता होगा करेंट एक्सपोर्ट साइज कितना है. तो यह डेफिनेटली ये आपके करेक्ट एजम्पशन है, क्योंकि करेंट एक्सपोर्ट साइज $50 billion अगर एज्यूम करते हैं वो, तभी आपके $5 billion वाला 10% ऑफ करेंट एक्सपोर्ट साइज आएंगे. लेकिन ये जो है करंट ईयर इज 2010, यहाँ पे देखो क्या ये स्टेटमेंट के साथ कुछ रिलेशन बनाते हैं? डेफिनेटली नहीं बनाते, क्योंकि यहाँ पे कुछ 2010 के बारे में या फिर 20 ईयर्स आफ्टर, 20 ईयर्स बिफोर, ये सब बात हो ही नहीं गया है. तो आप कैसे बोलोगे कि 2010 है? तो यहाँ पे कोई कोरिलेशन नहीं है, तो ये अजम्पशन इम्प्लिसिट नहीं है. एक की पॉइंट था आपका कि जब तक आपके रिलेशन कोरिलेटेड ना हो तब तक इम्प्लिसिट नहीं होता. ठीक है, तो ये आपके इम्प्लाइड नहीं होगा. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ओनली 1 इज इम्प्लिसिट. इज इट क्लियर? ओके, सो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे. तो देखो यहाँ पे ये कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है. ठीक है, द कंस्टेबल हैज बीन रिकमेंडेड फॉर अ सुइटेबल रिवॉर्ड बाय हिज सुपीरियर इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज सिंसियर ड्यूटी एंड बस्टिंग ऑफ investing of several gangs of criminals actively involved in the loot and incidents of pickpocketing. ठीक है, तो ये आपको बोला गया है ऐसे. तो ये आपके IBPS SO में आया था 2013 में. सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए पॉसिबल एजम्पशन ऑफ द एबो स्टेटमेंट. अब देखो लास्ट में हम क्या कर रहे थे, दो दो एजम्पशन था हमारा, उसमें से एक एजम्पशन सही होता था या फिर दूसरा सही होता था या फिर दोनों सही होता था, कोई भी सही नहीं होता था या फिर आइदर और होता था. लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका पास 5 एजम्पशन है. अब 5 एजम्पशन में से एक ही फॉलो करेगा. ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो उसमें क्या लिखा है कि कंस्टेबल ने किसी को रेकमेंड, कंस्टेबल को रेकमेंड किया गया था एक सुइटेबल रिवॉर्ड के लिए उसके सुपीरियर से, जो इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज सिंसियर ड्यूटी एंड बस्टिंग ऑफ सेवरल गैंग्स ऑफ क्रिमिनल्स एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द लूट एंड इंसिडेंट्स ऑफ पिक पॉकेटिंग. तो जो जिन्होंने उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, सिंसियरली ड्यूटी किया था, बहुत सारे गैंग्स को पकड़ा था, तो डेफिनेटली उसी के कारण उनको रेकमेंड किया गया था सुइटेबल रिवॉर्ड के लिए. ठीक है, तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ पॉसिबल एजम्पशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट. ये जो अबव स्टेटमेंट है उसमें पॉसिबल एजम्पशन क्या होगा. द सुपीरियर इज सर्टेन दैट द रिकमेंडेशन विल बी डिनाइड. अगर वो सर्टेन होते कि रिकमेंडेशन जो है वो डिनाई होगा तो वो क्यों रेकमेंड करते, तो वो तो रेकमेंड ही नहीं करते. आपको ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेना है, तो ये बिल्कुल गलत है. ठीक है, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ क्रिमिनल्स अप्रिहेंडेड बाय दिस पार्टिकुलर कंस्टेबल वाज एक्सेप्शनली हाई. अब अगर हाई तक होता तो हम सोचते कि हाँ चलो सही है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनली हाई है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा हाई है. अब यहाँ पे उन्होंने अच्छे काम तो किया है, लेकिन क्या वो एक्सेप्शनली हाई था इसके बारे में हमें नहीं पता. तो जैसे मैंने पहले भी बताया, यू हैव टू कैच द कीवर्ड्स. तो यहाँ पे कीवर्ड्स एक्सेप्शनली है, जो कि थोड़ा एम्बिगुअस बनाता है, राइट? तो क्योंकि बोला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा हाई है. ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा. ठीक है,
नेक्स्ट, द कंस्टेबल डिजायर्स टू बी मनीटरली कंपेंसेटेड फॉर हिज एफर्ट्स. क्या ये सही हो सकता है? क्या इस ये एज्यूम करके सुपीरियर आपको रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल नहीं. तो ये भी गलत है. ठीक है. नेक्स्ट, द सुपीरियर वॉन्ट्स टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर हिज अदर जूनियर्स बाई रिकमेंडिंग द रिवॉर्ड. ये उनके आपके यू कैन से ये उनके इफेक्ट हो सकते हैं कि ही वॉन्ट्स टू सेट एन एग्जाम्पल, लेकिन ये एजम्पशन बिल्कुल नहीं हो सकता. ठीक है. नेक्स्ट इज रिवॉर्ड्स रिकॉग्नाइजिंग द सिंसियरिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ पुलिसमैन आर गिवन. तो ये एजम्पशन आप कर सकते हो ना इससे कि हाँ रिवॉर्ड्स मिलते हैं सिंसियरिटी एंड पुलिसमैन के अकॉम्प्लिशमेंट्स को देख के. तो ये एजम्पशन बिल्कुल सही एजम्पशन है. ठीक है. आई सपोज आपको आज के वीडियो अच्छा लगा है. विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो टुमारो. सो टिल देन गाइज, आप पूरे वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए. कोई भी कन्फ्यूजन है देन प्लीज़ लेट मी नो. एंड दिस इज़ वेरी ईजी, बस थोड़ा बहुत क्रिटिकल रीजनिंग लगाना होता है यहाँ पे. एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोग क्वेश्चन को कर लोगे. ठीक है. And also I have left you guys a playlist of all the videos that are available for SBIPO, जो बहुत ही important है आपके SBIPO reasoning के लिए. So please make sure कि आप सारे के सारे videos देखो. अगर आपने देखा है तो then that's a very good thing. अगर कोई भी confusion है then please let me know. I have also left the WhatsApp number. And अगर आपने नहीं देखा है then please go through them. And कोई भी अगर confusion है then do let me know. Is it clear? Okay then, see you tomorrow guys, and till then, study well and prepare well for your exam, okay?